गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था हमारा लास्ट चैप्टर मैक्रो का फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो जैसा कि आपको क्लास का रिवाज पता है, हम लोग टेस्ट से स्टार्ट करते हैं फिर अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं। फॉरेन एक्सचेंज रेट सचिन सर ने एक बताया था, करेंसी एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। थोड़ी सी बातें कम आपको पता, सेशन रिकॉर्ड करता हूं। एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन, इन दोनों में से एप, डेप, री, डी कौन होता है डिमांड सप्लाई की वजह से? एप, डेप, री, डी इन दोनों में से कौन होता है डिमांड सप्लाई की वजह से? डिमांड सप्लाई, आरबीआई। हमारा आरबीआई है सेंट्रल बैंक। भाई इंडिया का आरबीआई है लेकिन हर देश का होता है सेंट्रल बैंक, गवर्नमेंट। और अगर क्वेश्चन पेपर में डिमांड सप्लाई, सेंट्रल बैंक कुछ ना लिखा हो, ये मानते हैं, लिखा होगा जी वैल्यू बढ़ रही है, घट रही है, ये रीजन है, ये रीजन है, डिमांड सप्लाई आरबीआई, कुछ ना लिखा हो ये मानते हैं जी, कुछ ना लिखा हो ये मानते हैं। आइए जी सेशन स्टार्ट नाउ। फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर, करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन। अटेंटिव रहना, करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में डिफरेंस, एप डेप में डिफरेंस। आराम से बेटे इसके आगे ना लिखा नहीं है, एप डेप इंडिया का है या फॉरेन का है, तो क्या मानेंगे? इंडिया का। मैं बोलता हूं मार्क्स बता, तो किसके बताएगा अपने ना, कॉमन सेंस। बेटे मार्क्स बताइयो तो पूछेगा किसके, तेरी बात कर रहा हूं। ओजस इनकम बता रहा, आपकी बात हो रही है। पीयूष मार्क्स बताना, तो यहां पर लिखा नहीं है एप डेप, डोमेस्टिक का, फॉरेन का, कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानते हैं? अपनी बात हो रही है डोमेस्टिक। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन में लिखा नहीं है फॉरेन, डोमेस्टिक, कुछ नहीं लिखा, तो किसका मानते हैं? अपनी बात हो रही है। हमारी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, हमारी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू यहां पे डोमेस्टिक, फॉरेन कुछ नहीं लिखा, तो किसी बात हो रही है डोमेस्टिक, तो हमारी वैल्यू यहां पे इंक्रीज डिक्रीज है, हमारी वैल्यू राइज एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू फॉल एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। और कल सचिन सर वाला याद है, ये देख फॉरेन डोमेस्टिक एट पार, और सचिन सर के एक्शन याद है। बेटा मान जा ये केस स्टडी बेस आएगा, अभी मैं केस स्टडी की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। ये फॉरेन करेंसी डोमेस्टिक करेंसी बराबर एट पार, ये एक रेस है। अगर तेरा डेप, तेरा डेप पार, अगर तू आगे निकल गया एप, तो इसका डेप, एप डेप, तो हमारी वैल्यू राइज द फॉल है। प्लीज बता दो ना बेटा, कितना सिंपल पूछ रहा हूं, हमारी वैल्यू क्या है? हमारी वैल्यू राइज हो रही है एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू क्या हो रही है? फॉल एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू राइज एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, हमारी वैल्यू फॉल एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी। ये देख, राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी विज अ विज एज कंपेयर टू विज अ विज, तू एज कंपेयर टू लिख ले, मैं तो स्कोर नंबर बचाओ, मैं तो विज अ विज लिखूंगा। दोबारा राइस पॉल है बेटा, राइस
rise in value of domestic currency vis-a-vis as compared to foreign currency. Foreign currency. हमारी value fall in value of domestic currency vis-a-vis foreign currency. और ये जो वैल्यू राइज हुई, वैल्यू फॉल हुई, डिमांड सप्लाई आरबीआई, ये वैल्यू बढ़ी, वैल्यू घटी, डिमांड सप्लाई आरबीआई, डिमांड सप्लाई रीजन, डिमांड सप्लाई. सचिन सर ये तो सिमिलैरिटी हो गई. नहीं बेटा, ये मीनिंग में है. डिमांड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, डिमांड सप्लाई फॉरेन करेंसी, ये मीनिंग के अंदर है. सेकेंड पॉइंट, अगर हमारा ऐप हो रहा है तो फॉरेन का, जल्दी बता दे, हमारा ऐप फॉरेन का डेप हो रहा होगा. हमारा डेप फॉरेन का ऐप. पॉइंट नंबर टू, मीनिंग फिर वही बेसिस लिखना कंपलसरी होता है बीएसटी में. ईगो में वॉलंटरी हम लोग लिखेंगे. बेस 50 बार बता चुका हूं, बिजनेस स्टडी में बेसिस के मेरे नंबर नहीं मिलते, ईगो में वॉलंटरी, बट तू ईगो में भी लिखेगा बेटा. तो ये हो गया मीनिंग. क्या हो गया मीनिंग? इफेक्ट ऑन फॉरेन करेंसी. मीनिंग इफेक्ट ऑन फॉरेन करेंसी. हमारा ऐप उनका डेप, हमारा डेप उनका ऐप. थर्ड एग्जांपल आराम से. थर्ड एग्जांपल, बच्चे गलत करते हैं. बच्चे गलत करते हैं, सचिन सर के बच्चे गलत नहीं करते. 80 से 70, अच्छा पहली बात, 80-70 जो वैल्यू है ये अमेरिका की है, इंडिया की है? अमेरिका का, हमारी बात हुई थी. 80 times 70 times ये जो वैल्यू इंडिया की, अमेरिका की है? अमेरिका. अमेरिका की पावर वीक स्ट्रॉन्ग. यार क्या कर रहा है. 80 times 70 times ये पावर किसकी है? अमेरिका की. दिख रहा है अमेरिका की. 80-70 तो अमेरिका वीक हो गया, स्ट्रांग हो गया. अमेरिका हो गया वीक. एटी टाइम्स पावर थी 70 times, तो अमेरिका की पावर वीक स्ट्रांग. अमेरिका वीक, हम स्ट्रांग. 90-100 स्ट्रॉन्ग, हम वीक. पता है बच्चा क्या करता है? बच्चा ना ये लिखाता है, सच में मैक्सिमम टाइम्स हमारे पास ये आता है. ये देखो सर एग्जांपल है, ये ऐप का एग्जांपल है, सचिन सर ये डेप का एग्जांपल है. बेटा कई बार तो इतना दिल दुखता है सच में, बच्चे के 90+ हो जाते हैं. कुछ सोचो, जिस बच्चे के 90+ हो गए उस बच्चे का लेवल क्या होगा. 90 सच में हम लोग ना पिक खींच के दिखा नहीं सकते, कॉन्फिडेंशियल इश्यू, फोन बाहर रखवा लिए जाते हैं. तो सर जब 90+ वाला बच्चा भी ये गलती करता तो दिल दुखता है. इसका मतलब गलती तेरी टीचर की, जिसने बताया नहीं. ये जो तूने बढ़ा दिया, अमेरिका का बढ़ा दिया, इंडिया का बढ़ाना है, समझ आ रहा है? 80-100 सचिन सर को वैल्यू बढ़ गई. बेटे अमेरिका की बढ़ गई, हमें बढ़ानी है इंडिया की. सचिन सर ये देखो वैल्यू घट गई, वो पुत्र अमेरिका की घटा रहा है, हमें इंडिया की घटानी है. प्लीज मिस्टेक मत करियो. एटी टाइम्स, क्योंकि सर ये अमेरिका की वैल्यू है, जितना मर्जी हो सर, कुछ भी हो सकता है, 10 का डिफरेंस आप डेसिमल में कर लो. मैं तो सिंपलिसिटी के लिए कर रहा हूं. 80 times 70 times अमेरिका की पावर वीक स्ट्रॉन्ग. वीक है बेटा 80-70. अमेरिका हम स्ट्रॉन्ग, अमेरिका स्ट्रॉन्ग हम वीक. लास्ट 1:70, 1:80, 1:70, 1:90, 1:100. 1:80, 1:70, 1:90, 1:100. तो 80
1:81, तो ये रेशियो फॉल राइट, रेशियो क्या हो रही है फॉल, रेशियो क्या हो रही है राइस, अगला डिफरेंस 180-170, रेशियो क्या हो रही है फॉल, 190-100, रेशियो क्या हो रही है राइस, तो ये हो गया हमारा डिफरेंस। पहला बना मीनिंग, पहला क्या बना मीनिंग, मीनिंग, दूसरा बना इफेक्ट ऑन फॉरेन करेंसी, तीसरा एग्जांपल, चौथा रेशो, मीनिंग, इफेक्ट ऑन फॉरेन करेंसी, न्यूमेरिकल एग्जांपल, रेशो, ये चार पॉइंट हो गई थी। पांचवा पॉइंट बनता है वो लॉजिकल नहीं है, ये चार पॉइंट बनते हैं। अभी मेरे को गजनी इशू होगा, मैं पूछूंगा आपसे आधे घंटे के बाद, थोड़ा सा कॉपरेट करिए, अगर परेशान करोगे ये यहां वाला सेशन रिकॉर्ड करना बंद कर दूंगा, किसी और क्लास में रिकॉर्ड करूंगा, एक तरीके से आपसे इंसल्ट हो जाएगी। वो करेंसी रीवैल्यूएशन, करेंसी डीवैल्यूएशन, रिवॉल्यूशन डीवॉल्यूशन, आ जाओ फिर वही, यहां पे लिखा नहीं डोमेस्टिक फॉरेन, क्या माने आवाज नहीं आ रही, यहां पे लिखा बस करेंसी, करेंसी लिखा नहीं, फॉरेन डोमेस्टिक, मेरी बात हो रही है, मार्क्स बता तेरी बात हो रही है, इनकम बता तेरी बात हो रही है, तो करेंसी भाई हमारी बात हो रही है डोमेस्टिक की, हमारी वैल्यू राइस फॉल, हमारी वैल्यू राइस, हमारी वैल्यू फॉल, राइज इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी यहां पे रीजन डिमांड सप्लाई आरबीआई, आरबीआई ड्यू टू सेंट्रल बैंक, हमारी वैल्यू फॉल इन वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी, ड्यू टू सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, हमारा रिवैल्यूएशन हो रहा है तो फॉरेन का बोलो ना बेटा, हमारा रिवैल्यूएशन फॉरेन का डिवैल्यूएशन, फॉरेन का डिवैल्यूएशन, हमारा डिवैल्यूएशन फॉरेन का रिवैल्यूएशन, मीनिंग इफेक्ट, एग्जांपल $1 वीक, हम अमेरिका क्या हो रहा है वीक, 80-70 वीक, हम स्ट्रॉन्ग, रीजन ये लिख दियो, क्योंकि अगर ये करोगे डिमांड सप्लाई हो गया, कुछ नहीं लिखा क्या हो गया डिमांड सप्लाई, ये लिख दिया, ये कारण है, अमेरिका स्ट्रॉन्ग, अमेरिका स्ट्रॉन्ग, हम वीक, ये रहा रीजन, मीनिंग फॉरेन पे इफेक्ट, एग्जांपल रेशो 180-170, रेशो क्या हो रही है 180-170, रेशो क्या हो रही है ऑल, 100-120, रेशो क्या हो रही है राइस, मीनिंग फॉरेन पे इफेक्ट, न्यूमेरिकल एग्जांपल रेशो, डिफरेंस हो गया री टी, अभी भूलूंगा बेटा पक्का भूलूंगा, चिंता ना करना, नेक्स्ट, अभी हमने करा एप डेप री डी, दो डिफरेंस करे एप डेप री टी, अब हम लोग करेंगे राइज राइज वाला, फॉल फॉल वाला,
राइज राइज वाला, फॉल फॉल वाला, करेंसी एप्रिसिएशन ये भी राइज, रिवैल्यूएशन ये भी राइज। हमारी वैल्यू क्या हो रही है, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, राइज एज कंपेयर टू फॉरन, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, राइज। बेटा रिवैल्यूएशन एप राइज, रिवॉल्यूशन राइज, अभी सुन तो सही, सिमिलैरिटी हो गई, रुक तो सही, हमारी राइज, हमारी राइज भाई, एप राइज एप फॉल, रिवॉल्यूशन राइज रिवॉल्यूशन फॉल, एप्रिसिएशन ये डेप्रिसिएशन ये, रिवॉल्यूशन डिवॉल्यूशन। लेकिन एप्रिसिएशन का जो रीजन होता है डिमांड सप्लाई आरबीआई, डिमांड सप्लाई, और यहां पे रीजन आरबीआई। अब हो गया मीनिंग पूरा, राइज किसकी वजह से, डिमांड सप्लाई किसकी वजह से, आरबीआई। अच्छा, और ये जो एप कल वाली बात, ये जो एप डेप होता है फ्लेक्सिबल या फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, थैंक यू, ये जो एप डेप होता है वो किसका पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल सिस्टम, फ्लोटिंग सिस्टम, और ये जो रीड ये होता है फिक्स्ड पैग्ड, फिक्स्ड पैग्ड। कल मैंने बताया था वर्ल्ड में हर देश फ्लेक्सिबल है, चार देश फिक्स्ड है, हर देश फ्लेक्सिबल, चार ने फिक्स कर रखा है, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, बहामास, एक और था सऊदी अरेबिया, हांगकांग, सऊदी अरेबिया, तुझे पर है मुझे रिकॉल करने, सऊदी अरेबिया, बहामास, हांगकांग, एक और है, एक और है, बहामास एक आइलैंड है, बहामास की आप लोग हंस रहे हैं, बहामास की स्लीपर्स आती है, ठीक है, कौन मना कर रहा है, बहामास एक बहुत ब्यूटीफुल आइलैंड है, बहामास, सऊदी अरेबिया, हांगकांग, डेनमार्क है शायद, डेनमार्क, 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 ये चार देश है जिनकी करेंसी फिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एवरी करेंसी, इंडिया के साथ दिनार पाउंड इनकी वैल्यू फिक्स रहती है। हमारी राइज होने का कारण क्या है, डिमांड सप्लाई, हमारा राइज होने का कारण क्या है, आरबीआई, और ये एप और डेप किसका पार्ट होते हैं, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, री और डी किसका पार्ट होते हैं, फिक्स्ड पेग्ड। एप डेप चेंज होता रहता है, वॉलेटाइल, री डी बार बार नहीं होता, स्टेबल। डिमांड सप्लाई कारण आरबीआई कारण, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग का पार्ट, फिक्स्ड पेग्ड का पार्ट, वॉलेटाइल फ्लक्चुएटिंग ऊपर नीचे, फिक्स्ड। एग्जांपल देख, एग्जांपल देख, हमें स्ट्रॉन्ग बनाना वीक बनाना है, हमें ये लो जी अमेरिका वीक, हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग, आधी बात तू आधी बात मैं, हमें क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग, अमेरिका वीक, यही डाल दे रहा हूं डिजिट 80-70, 80-70, बस यहां पे कारण है डिमांड सप्लाई, यहां पे कारण है सेंट्रल बैंक, मीनिंग सिस्टम चेंजेबल, एग्जांपल, मीनिंग सिस्टम इफेक्ट चेंज, न्यूमेरिकल एग्जांपल, 1, 2, 3, 4, चार पॉइंट, पांचवा नहीं बनेगा, ये देख वाइस वर्सा, देख मेरे चीते, डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, मुझे रिपीट करवाना 10 मिनट के बाद, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, नो जी फॉल, हमारी वैल्यू क्या हो रही है, फॉल, रीजन क्या है, डिमांड सप्लाई, रीजन क्या है, आरबीआई, एप डेप किस में होता है, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, रीडी किस में होता है, फिक्स्ड पेग्ड, एप डेप फिर वही, हमारी नॉलेज के लिए हमारी तीन मार्केट्स होती हैं, शेयर मार्केट, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, सुन ले जय रक्षित अनिशा प्रियंका फेस टू फेस में बैठे 50,000 बच्चे,
हमारी तीन मार्केट होती है, शेयर मार्केट, कमोडिटी, फॉरेन एक्सचेंज। शेयर मार्केट ओपन होती है 9:15 to 3:30। शेयर मार्केट इस पे भी प्रोजेक्ट बना सकती है अगर अभी नहीं बनाया तो, बीएसटी का भी, क्योंकि टॉपिक बीएसटी से रिलेटेड इको कहीं एक चिपका दे। शेयर मार्केट 9:15 to 3:30, कमोडिटी 10 to 5, फॉरेन एक्सचेंज 11 to 11, सुबह 11 रात 11 तक, क्योंकि तेरी रात हुई है वहां तो दिन हो गया होगा। और हम लोग किसी भी करेंसी को चेंज करवा सकते हैं, ट्रेडिंग चार में करते हैं, चेंज कोई करवा ले, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लेकिन ट्रेडिंग वंश, ट्रेडिंग चार में अलाउड है। ट्रेडिंग सस्ता खरीदा महंगा बेचा, ट्रेडिंग चार में अलाउड है। यूएस डॉलर, पाउंड, येन, यूरो, चार में अलाउड है ट्रेडिंग। चेंज नहीं, तू पाकिस्तान की चेंज करवा ले, अफगानिस्तान की चेंज करा ले, मैं बात करूं ट्रेडिंग की, चार में ट्रेडिंग अलाउड है। सस्ता खरीदो महंगा बेच दो, यूएस डॉलर, येन जापान का, YEN, यूरो, पाउंड, चार में ट्रेडिंग अलाउड है। हमारी वैल्यू एज कंपेयर टू फॉरेन करेंसी बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई, बिकॉज ऑफ RBI, जो ये एप डेप होता है किसका पार्ट होता है, फ्लेक्सिबल फ्लोटिंग, और ये जो रीडीफ किसका पार्ट होता है, फिक्स पैक्ड। ये मार्केट 11 से 11 ऊपर नीचे होती रहती है, बॉल लाइन चेंज ना होती, स्टेबल। हमें अपने आप को वीक करना, स्ट्रांग कर रहे हैं, हमें क्या करना है वीक। अमेरिका को स्ट्रांग करना पड़ेगा। हमें क्या करना है वीक। अमेरिका को स्ट्रांग, ये लो जी बढ़ गया। डिमांड सप्लाई कारण, आरबीआई कारण, ये डिफरेंस हो गया। एप डेप्रिसिएशन डीवैल्यूएशन में, अब जो करवा रहा हूं इसके बेस पे केस स्टडीज होंगी, इसके बेस पे केस स्टडीज होंगे मेरे बच्चे। रेडी, रीजन, कॉजेस, सोर्सेस ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सर मान जाना सबसे लॉजिकल चीज है, अगर ये बाउंसर हुई ये स्टडी नहीं हो पाएगी। डिमांड फॉर फॉरेक्स, फॉरेन करेंसी को शॉर्ट में फॉरेक्स बोलते हैं, फॉरेन करेंसी को शॉर्ट बोलते हैं। इसका मतलब है आप लोग डॉलर दिनार क्यों मांग रहे हो, और जब वो हमारी करेंसी मांगते हैं सप्लाई, हम लोग उनकी करेंसी मांग रहे डिमांड। बेटा इस पे अटेंटिव हो जाना, क्योंकि मेरे को इसके पॉइंट करवाने आपसे बुलवा बुलवा के। और आपको पता है हमारी हर क्लास टीचर डे होती है, आपको सचिन सर मैं खुद स्टूडेंट बन जाता हूं। डिमांड का मतलब है तुझे क्यों चाहिए डॉलर दिनार पाउंड, उन्हें हमारी करेंसी चाहिए सप्लाई, तुझे चाहिए डॉलर दिनार पाउंड डिमांड, उन्हें हमारी करेंसी चाहिए सप्लाई। इसका उल्टा कर दियो सप्लाई हो जाएगा। आओ जी स्टार्ट करो, हमें करेंसी क्यों चाहिए उनकी, उनकी मेरी कहानी तेरा जवाब। जब तुम बाहर घूमने जाओगे, बाहर एब्रॉड में जाओगे, रुपीस डॉलर, जल्दी बोल देना प्लीज, मेरी कहानी तेरा जवाब। जब तुम अमेरिका में जाओगे, फ्रांस में जाओगे, जर्मनी में जाओगे, रुपीस डॉलर, बेटा अपने देश से करेंसी बदलवा के जानी चाहिए, एब्रॉड में डबल टैक्स लगता है। अपने देश से वो लोग बदलवा के आते हैं, अपने देश से करेंसी बदलवा के जानी चाहिए चाचू,
नहीं तो अब्रॉड में डबल टैक्स हटता है और कहाँ ढूंढेगा। अच्छा यहाँ तो तेरे को पता है पहाड़गंज में मिलेगी, आईसीआईसीआई बैंक में सोच ले, आईसीआईसीआई बैंक में मिलेगी, ठीक है ना, वेस्ट पोस्ट ऑफिस में मिलेगी, वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफर, वेस्टर्न वहां कहाँ भटकेगा, गूगल करता रहियो, घूमे फिर मत गूगल करता रहियो। जब आप लोग बाहर घूमने आ रहे हैं तो रुपीज लेके जाओ डॉलर, अभी मैंने बताया अपने करेंसी चेंज करवा के जानी चाहिए। अब्रॉड में डबल टैक्स कटता है, आप लोग बाहर घूमने आ रहे हैं, इंटरनेशनल टूरिज्म पहला रीजन, आप लोग घूमने जा रहे हो रुपीज नहीं डॉलर लेके जाओगे पहला। एग्जैक्टली जब वो आते हैं यहां पे रुपीज लेके आएंगे, जब वो आते हैं वो अपने सेंट्रल बैंक से चेंज करवा के आएंगे। सर अपने देश के अगर बदलवा के आ रहे हैं अमेरिकन फ्रेंच सिंगल टैक्स, इंडिया में डबल टैक्स, हम लोग बदलवा के यार सिंगल अब्रॉड में डबल टैक्स, मेरे लिए वो अब्रॉड उसके लिए अब्रॉड, रोक रहा हूं। फाइनेंस से रिलेटेड कोई कोर्स कर लेना बड़ी वैल्यू है प्लीज, मैं कोई कोर्स थोप नहीं रहा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूं। फाइनेंस से रिलेटेड कोर्स कर लियो बड़ी वैल्यू है, फाइनेंस से रिलेटेड मान जा ये मेरे शब्द हैं, बुक में प्रिंट होंगे पढ़ लियो, फाइनेंस इज अ सी, फाइनेंस इज अ सी, ये समुद्र है, यू वुड गेट एग्जॉस्टेड वाइल विड्रॉइंग वाटर, अगर आप पानी बाहर निकालते रहो समुद्र में से आप थक जाओगे, समुद्र का पानी खत्म नहीं होता, समुद्र में से पानी सच में आप गूगल कर लो, कहिए सर फिर आप मेरा मजाक बना लो, तभी मैं आपसे अपनी बात शेयर नहीं करता, आप अप्रिशिएट ही करते भाई को, दुनिया वैल्यू समझे, तू ना समझ मेरी वैल्यू। समुद्र में से पानी निकाल रहे हो, समुद्र खाली नहीं हो सकता, तू थक जाएगा। इन द सेम वे पुत्र फाइनेंस, इतना पैसा है कमा कमा कमा, कोई लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट इनफाइनाइट। सर 50 कोर्सेज हैं, एक बार डेडिकेशन से कर ले, नो लुकिंग बैक। तो पहला हमको याद हो, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग डिमांड क्यों कर रहे हैं, हम लोग बाहर घूमने जाएंगे रुपीज लेके नहीं डॉलर। दूसरा आप लोगों ने कुछ सामान इंपोर्ट करा, आपने एप्पल का फोन इंपोर्ट करा, गाड़ी इंपोर्ट करी, उनको पेमेंट करोगे रुपीज डॉलर। मैंने बोला मैं कहानी तैयार करा, आप लोग जवाब दे दीजिए। आपने कार मंगवाई, बाइक मंगवाई, वॉच मंगवाई, इंपोर्ट करा, तो जो इंपोर्ट की पेमेंट करते हो रुपीज डॉलर, वो दोगे जो उनके देश में चले, आप इंपोर्ट की पेमेंट करते हो उनकी करेंसी में, इंपोर्ट पेमेंट उनकी करेंसी में, घूमने जा रहे हो डॉलर, पेमेंट कर रहे हो उनको उनकी करेंसी में। थर्ड थर्ड हमने लोन लिया वापस करेंगे रुपीज डॉलर, जल्दी बोल, हमने लोन लिया अमेरिका से, फ्रांस जर्मनी से, उनको वापस करेंगे तो रुपीज डॉलर एग्जैक्टली तेरी करेंसी, एप्रिशिएटिंग मेरी जो डेप्रिशिएटिंग है लोन की रीपेमेंट तेरी करेंसी में। 7-8 में से 3 याद हो गए, घूमने आ रहे हो डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट करोगे डॉलर, लोन की पेमेंट उसको उसकी करेंसी में। फोर्थ आपने कैश गिफ्ट भेजा, सामान नहीं सगन भेजा, सगन आपने कैश गिफ्ट भेजा, माती को भाई को कैश गिफ्ट भेजा रुपीज डॉलर, एकदम वो देगा जो वहां चले, यहां यहां से भेज रहा 500 रुपए, वहां पे 10 रुपए, बोले क्या करूं उसको, तो आप एग्जैक्टली तो आप दोगे उनकी करेंसी, तो फिजिकल गिफ्ट नहीं कैश गिफ्ट भेजते हो उनकी करेंसी में, ताकि वो खर्च करे बदलवाने के लाइन में खड़ा ना हो बैंक में। कैश गिफ्ट सेंट अब्रॉड, आपने बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है रुपीज डॉलर, आपने बाहर प्रॉपर्टी खरीदनी है डॉलर,
फिजिकल असेट्स परचेज अब्रॉड, फिजिकल असेट्स परचेज अब्रॉड। शेयर डिबेंचर खरीदना है, आपने खरीदना है गूगल के शेयर, एप्पल के शेयर, उनकी करेंसी में। फिजिकल प्रॉपर्टी डॉलर में, शेयर डिबेंचर बहुत डॉलर में। फाइनेंशियल असेट्स परचेज अब्रॉड, घूमने गए डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट डॉलर, लोन की पेमेंट डॉलर, सामान नहीं कैश गिफ्ट भेजा, सगन भेजा डॉलर, प्रॉपर्टी खरीदी बाहर डॉलर, शेयर खरीदे डॉलर। जब तुम अपने फैमिली को बाहर पैसा भेजते हो उसे बोलते हैं रेमिटेंस। क्या बोलते हैं? लिखा होता है पैसे यहां रेमिट किए आते हैं, रेमिट बैंक में डीलर के बाहर, तो यहां रुपीज दे हम बाहर पाउंड पहुंचा देंगे। लीगली ऑनलाइन हो रहा है, उसमें कोई हवाला तो है नहीं, हवाला ब्लैक मनी को हवाला बोलते हैं, जो जो ये टेररिस्ट करते हैं हवाला, दैट इज नॉट हैपन हियर, इट्स लीगल। तो आप अमेरिका से मम्मी को पैसा भेजोगे रेमिटेंस। अच्छा यहाँ पे फॉरेनर भी तो काम करते हैं, वो भी तो अपने घर पैसे भेजते होंगे। यस सर, नो सर, यार तुम्हारे कोई ना कोई नोट हो गए जो कनाडा से मम्मी को पैसा भेजते हैं, बोलो यूके से मम्मी को पैसा भेजते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, तो यहां पर भी तो फॉरनर है जो अपनी मम्मी को पैसा भेजेंगे। तो जब फॉरनर यहाँ पे काम करते हैं, फॉरनर यहाँ पे काम करते हैं, अपनी मम्मी को पैसा भेजेंगे रुपीज डॉलर। जैसे तुम लोग इंडिया पैसा भेजते हो, फॉरनर भी तो पैसा बाहर भेजते होंगे, तो जब फॉरनर बाहर पैसा भेजेंगे रुपीज डॉलर, फॉरनर वर्किंग इन इंडिया सेंडिंग रेमिटेंस, अपनी फैमिली को पैसा भेज रहा है इन होम कंट्री, अपने देश। स्पेक्यूलेशन, स्पेक्यूलेशन स्पेकुलेशन की अगर हिंदी करूं कहीं और चले आओगे, सट्टेबाजी। स्पेकुलेशन की हिंदी करूं सट्टेबाजी, सचिन सर मैच पे पैसा लगाना सट्टेबाजी, एग्जांपल है, मीनिंग नहीं है। स्पेकुलेशन होता है बिना मेहनत के कमाना, रिस्क बहुत है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है बिना मेहनत, रिस्क। शेयर मार्केट काई की मेहनत, एमपीएल ड्रीम इलेवन काई की मेहनत, क्रिप्टो काई की मेहनत। तो हम लोग, अच्छा मैं फिर भूल गया, एक मैंने बताया शेयर मार्केट, दूसरी कमोडिटी, तीसरी फॉरेन एक्सचेंज, तीन मार्केट बताई ना। हम सस्ता खरीदते हैं महंगा बेच देते हैं, एक शेयर, क्या शेयर, कमोडिटी, गेहूं चावल चीनी गोल्ड, ऑनलाइन फिजिकल नहीं। यानी हेलो दृष्टि, हाँ वो बेटे हम लोग तीन ट्रक ले आए गेहूं चावल, कहाँ उतारने हैं, ये अमेजन वाला नहीं, ऑनलाइन खरीदती है, ऑनलाइन बेचती है। शेयर खरीदते हो, कमोडिटी खरीदते हो, फॉरेन करेंसी, अभी बताया था हम लोग कितनी फॉरेन करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, फोर। हम लोग कितनी फॉरेन करेंसी पे ट्रेड कर सकते हैं, फोर। यूएस डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, जापानीज येन, यूरो यूरोप का। सस्ता खरीदो महंगा बेच दो। तो जो हमारे यहाँ पे स्पेकुलेटर है डिमांड कर रहे हैं, मैडम 5 करोड़ का डॉलर देना, जब 5 करोड़ 10 तो बेच देंगे, आधा प्रॉफिट आपका आधा मेरा। अभी जो तुमको मैंने शुरुआत करवानी है ना, सुन लो जी प्लीज, मेरे से अभी ज्यादा ग्रीड मत दिखाना, ज्यादा ग्रीड मत दिखाना। अभी जो तुमको मैंने प्रॉमिस किया है कि 12th के बाद सिखाना है शेयर मार्केट, शेयर मार्केट, फिर कमोडिटी, फिर फॉरेन एक्सचेंज, क्योंकि शेयर खरीद सकते एक एक, कमोडिटी में फॉरेन एक्सचेंज में लॉट लेने पड़ते हैं 10 लाख 20 लाख, रिस्क बहुत है।
शेयर एक 5 रुपए का, 10 रुपए का, 10 पैसे का भी है, 25 पैसे का भी है। तो शेयर मार्केट में रिस्क नहीं इतना, लेकिन बेटा अभी मेरे से जिद मत करियो। सचिन सर कमोडिटी भी सिखा दो, फॉरेन एक्सचेंज भी सिखा दो, उसमें लॉट लेने पड़ता है, पैसा आएगा भी तगड़ा जाएगा भी तगड़ा। अभी नॉलेज लिया है तो घर में पिटाई ना हो जाए और मेरे को बातें ना सुने, सर आपकी वजह से हमारे 50,000 डूब गए, तो तेरे पापा का फोन ना दे मेरे को, ऐसे तेरा पापा खुद ही उठ के आ जाएगा। हाँ भाई बाहर घूमने गए डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट करी डॉलर, इंपोर्ट की पेमेंट, लोन की पेमेंट डॉलर, कैश गिफ्ट भेजा डॉलर, फिजिकल वहां पे प्रॉपर्टी खरीदी डॉलर, शेयर खरीदे डॉलर। फॉरनर यहां पे काम करता है, बाहर पैसे भेजेगा डॉलर। एक IIM भाई प्राइवेट यूनिवर्सिटी तेरी मर्जी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी तेरी मर्जी, चैलेंज दे दिया, क्रैक करके दिखा IIM, क्रैक करके दिखा IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, BBA नहीं MBA, ना तेरी लाइफ बदल दे बता दियो। तो सर आपको IIM कैसे याद आ गया, IIM में इंडियन फैकल्टीज भी फॉरेन फैकल्टीज भी है। सर आपको IIM कैसे याद आ गया, पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच गए, बेटा मैं तेरे उसी पे हूं बेटा। तो जो IIM है सर सबसे ऊपर अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद, मुंबई, दिल्ली में IIT है IIM नहीं है, दिल्ली में IIT है IIM नहीं पुत्र, बेंगलुरु, मुंबई, लखनऊ है, पुणे में शायद, पुणे में पक्का, तूने फॉर्म भरे है देखा है, इंदौर, रोहतक, मुंबई में नहीं पक्का, श्योर लॉक कर दूं, जब तू जाएगी हम तब ओपन कर देंगे। तो जो फॉरनर स्टाफ यहां पे काम करता है, घर पैसे भेजेगा डॉलर। हम लोग स्पेकुलेट करते हैं, 4 करेंसी खरीद लेंगे, जब ये रेट होगा ये रेट बेच देंगे, 2 रुपए 3 रुपए पर डॉलर अपने जेब में, बैठे बैठे कमा लिया, तुझे कमीशन दे दूंगा कुछ मेरा। अब इसका उल्टा, आपकी पिटाई होने वाली है, सप्लाई का मतलब है उन्हें हमारी एक्शन में जान दे, डिमांड हमें करेंसी क्यों चाहिए उनकी, सप्लाई उन्हें क्यों चाहिए, या सुनो का जवाब देना, मेरे लिए वो फॉरेक्स उसके लिए मैं फॉरेक्स, या था नोटर बोल दे मेरे चीते, मेरे लिए वो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज उसके लिए मैं फॉरेक्स। तो बेटा जब मैं मांगता हूं डिमांड, वो मेरी करेंसी मांग रहा है सप्लाई, जब सचिन सर करेंसी मांगते हैं डिमांड, क्या बेटा वो हमारी करेंसी मांग रहे हैं सप्लाई। आओ जी अब उल्टा कर देंगे, उल्टा कर देंगे, जब जब वो इंडिया घूमने आ रहे हैं क्या लेके आएंगे, बोल दो बेटा मैंने बेस बनाया, परेशान मत करो, जब वो इंडिया घूमने आ रहे हैं क्या लेके आएंगे, जब तू उनकी करेंसी लेके जाती है तो वो यहाँ अपनी करेंसी लेके, हमारी करेंसी लेके आएंगे, जब वो इंडिया में आ रहे क्या लेके आएंगे, रुपीस, इंडियन टूरिज्म बाय फॉरनर। हमें पेमेंट कर रहे हैं गेहूं चावल चीनी की, किसमें करेंगे, किसमें करेंगे, हमें पेमेंट कर रहे हैं गेहूं की चावल की खादी का कपड़ा मैंगो ऑरेंजेस एप्पल, किसमें करेंगे, रुपीस। मेरे को लोन की पेमेंट कर रहा है रुपीस, हमने तो लोन दे रखा है किसको, अपने से नीचे देश को, अपने से नीचे देश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, क्या गेम खेला, साउथ अफ्रीका कोई अफ्रीकन कंट्री है, मैं ला गया इससे समझ लियो, वो देश हमको एक्सप्लॉइट करते हैं हम उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कोई अफ्रीकन कंट्री है हमारा लोन वापस नहीं कर रहा, पता सरकार ने क्या ऑफर करा है, अपनी लिथियम पूरे भेजा मेरे को, अच्छा आपने देखा, कोई अफ्रीकन कंट्री हमें लोन वापस नहीं कर पा रहा,
तुम्हारे सरकार ने बोला लीज पे दे दे अपने लिथियम की खान, लिथियम, लिथियम से बनती है बैटरी, किसी की बैटरी लिथियम से बनती है। अच्छा आप लोन नहीं दे पा रहे, नहीं दे पा रहे तो अपनी जो लिथियम की खान है, खान हमें दे रहे 50 साल के लिए, हम उसको यूज करेंगे 50 साल, कितना लिथियम निकाल लेंगे। ऐसे ही होता है, अमेरिका हमको बोलता है, हम बोलते हैं अपने नीचे वाली कंट्रीज को, वो लोग घूमने आ रहे हैं रुपीज, हमें पेमेंट करेंगे रुपीज, हमें लोन की पेमेंट करेंगे रुपीज, इंडिया को कैश गिफ्ट भेजा रुपीज। आपकी मासी ने, आपके मामा जी ने अमेरिका से पैसे भेजे बर्थडे गिफ्ट, डॉलर नहीं, डबल टैक्स कट जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, कैश भेजेंगे रुपीज में, उन्होंने इंडिया में प्रॉपर्टी खरीदनी है रुपीज, इंडिया में शेयर खरीदने हैं रुपीज। अब बोलता है रुपीज रुपीज रुपीज, तू बाहर काम करता है, तू बाहर काम करता है, मम्मी को पैसा भेजेगा रुपीज। जैसे हम लोग उनकी करेंसी सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं, ऐसे वो रुपीज सस्ता खरीद के महंगा बेचते हैं। हम लोग चार में स्पेकुलेट करते हैं, वो रुपीज खरीदा रुपीज बेचा, स्पेकुलेशन कर रहे हैं रुपीज में, इंडियन रुपीज। याद कर, घूमने आए रुपीज, पेमेंट करी रुपीज, लोन की पेमेंट रुपीज, मम्मी मासी ने सगन भेजा अब्रॉड से रुपीज, हमारे यहाँ शेयर खरीदे रुपीज, हमारे यहाँ प्रॉफिट खरीदी रुपीज। तू बाहर काम करती है, बाहर काम करती है, मैं कह रहा हूं बंद चला जा। अगर एक इंडियन घर पैसा भेजता है 2 करोड़ रुपए तक, इनकम टैक्स नहीं है। एक पर्सन, और अगर तुम दोनों भाई चले गए, भाई साहब मैं कह रहा हूं किसकी मजाई यहां पे, एक साल में पैसा भेज सकते हो रेमिटेंस सिर्फ फैमिली मेंबर्स को, 2 करोड़ रुपए तक भेजते हो एक साल में, टैक्स नहीं है। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 करोड़, तो 2 बंदे गए 4 करोड़, तो यहां कितनी प्रॉफिट बन जाएगी, रेंटल इनकम। तो 5, वैसे एक बात है, कई लोग क्या करते हैं 5 साल 10 साल जॉब करते हैं, यहां प्रॉपर्टी बनेगी, वापस आ जाते हैं, है गेम है। 5-10 साल काम करा, पैसे भेजे 20 करोड़ भेजे, रेंटल इनकम हाँ मैं आ गया, और ये जिसको वहां की आदत बन गई वो यहीं रह जाता है। 2 करोड़ रुपए तक भेज सकते हो एक एनम में, कोई इनकम टैक्स नहीं है फैमिली मेंबर्स पे, सिर्फ रेमिटेंस आ रहा है, गुड। आपने पैसे भेजे रुपीस, जैसे हम लोग शेयर खरीदते हैं शेयर बेचते हैं करेंसी, वो लोग हमारा रुपीज खरीदेंगे, हम लोग उनमें स्पेकुलेट करते हैं, वो लोग हम पे स्पेकुलेट करते हैं। कल सुबह कितने बजे आना है, 10 बजे, बाय बाय।